आंध्र प्रदेश के पोड्डातूर के मारुति प्रसाद रेड्डी की हत्या के जुर्म में एन श्रीवासनलु रेड्डी और उसके भाई रघुनाथ रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारुति प्रसाद रेड्डी जमाल मदुगु मंडल के देवगुद गांव का है। डीएसपी एम बक्थवचलाम ने कहा है कि पुरानी दुश्मनी और संपत्ति के विवाद के कारण मारुति प्रसाद की हत्या कर दी गई है। डीएसपी ने कहा है कि बी चंद्रशेखर रेड्डी पिछले कुछ सालों से मारुति प्रसाद की बहन अनुराधा के साथ अवैध रिश्ते रखे हुए थे। चंद्रशेखर अनुराधा और उसके भाई मारुति प्रसाद को सिंगापुर में व्यापार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे। मार्च 2014 में चंद्रशेखर की पत्नी निरलम्मा अनुराधा के घर गई और धमकी दी कि अगर वो उसके पति के साथ अवैध संबंध जारी रखती है तो उसे गंभीर दुष्परिणाम को भुगतना पड़ेगा। अनुराधा ने अपने भाई मारुति प्रसाद को इसकी जानकारी दी। उसके बाद उसका भाई निरलम्मा के घर गया और उन्हें चेतावनी दी कि उसकी बहन को धमकी देने की गलती दोबारा ना करे, जिसके बाद निरलम्मा और उसके दो भाई एन श्रीवासनलु रेड्डी और रघुनाथ रेड्डी ने गाँव के पुलिस स्टेशन में मारुति प्रसाद रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि मई 2015 में जंगल मदुगु सड़क दुर्घटना में चंद्रशेखर के पुत्र वेंकट तनुज रेड्डी का निधन हो गया था। निरलम्मा और उसके भाइयों ने मारुति प्रसाद को मारने की योजना बनाई थी। डीएसपी ने बताया कि आरोपियों ने मारुति को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पुलिस हिरासत में ले लिया है।